नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। यहाँ दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से सवाल। यहाँ दोस्तों राजस्थान विधानसभा में 27 तारीख को माननीय जो पूर्व पंचायती राज मंत्री और वर्तमान चुरू से जो विधायक हैं राजेंद्र जी राठौड़, उन्होंने सवाल उठाए कंप्यूटर शिक्षक कैडर को लेकर। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में यहाँ पर जो प्रतिदिन प्रश्न उठते हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पे 27 तारीख को असेंबली में प्रश्न उठाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो शिक्षा है लगभग 23 और 24 नंबर पे, यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ जो चुरू से विधायक है उनके जवाब दिए हैं कंप्यूटर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर। क्या है पूरा जवाब इस वीडियो में मैं बता देता हूँ दोस्तों, आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र जी राठौड़ जो चुरू से विधायक हैं, उन्होंने प्रदेश में कंप्यूटर के जो शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उसको लेकर यहाँ पे सवाल उठाया विधानसभा में। उन्होंने पूछा है, क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताएंगे कि प्रदेश में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है और कुल कितने नियमित कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त है, विवरण सदन की मेज पर रखें। इसके अलावा उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या यह सही है कि प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक विषय की योग्यताधारी शिक्षकों के पद रिक्त हैं, यदि हाँ तो रिक्त पदों को भरने की क्या है तो क्या कार्रवाई की जा रही है। तीसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि चुरू जिले में कुल कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब संचालित नहीं है, तथा कितने कंप्यूटर शिक्षकों के पद रिक्त हैं। दोस्तों यहाँ पे तीन सवाल यहाँ पे पूछे हैं कंप्यूटर भर्ती को लेकर। मैं बता दूं, माननीय जो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने जवाब दिया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 3464 माध्यमिक एवं 11,137 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में कंप्यूटर विज्ञान विषय विद्यालय में कार्यरत गणित और विज्ञान के कंप्यूटर में विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक या RKCL या RICIT प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से इसी पे सवाल दोहराता हूँ, क्या अब जो RICIT या RKCL द्वारा जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और आपने शिक्षा राज्य मंत्री जी जो घोषणा की है जो कैडर बनाया है उसमें कंप्यूटर शिक्षक की जो योग्यता आपने घोषित की है वो मिनिमम BSc BTech BE घोषित कर रखी है और अभी आप इनसे RKCL और RICIT द्वारा जो प्रमाण पत्र प्राप्त है उन शिक्षकों के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को पढ़वा दे रहे। इन्होंने कहा कि क्योंकि शिक्षक सेवा भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक पदनाम संवर्गीकृत नहीं है, वर्ष 2021 की बजट घोषणा संख्या 99 द्वारा राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षक का कैडर सर्जन करने की घोषणा की गई है, जिसका इन्होंने कहा कि परिशिष्ट कैम में संलग्न है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, क्या कंप्यूटर योग्यताधारी शिक्षकों के पद रिक्त है, तो इन्होंने कहा जी नहीं। तीसरा जो इन्होंने चुरू से संबंधित पूछा है क्वेश्चन कि चुरू में कितने पद खाली है, तो इन्होंने बताया कि चुरू में कुल 492 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब स्थापित है, जिसमें 461 में संचालित और 31 विद्यालय में लैब क्रियाशील है, और कहा कि कंप्यूटर शिक्षक का कोई भी पद यहाँ पर रिक्त नहीं है। यह दोस्तों बड़ी अपडेट आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे लगभग इन्होंने माननीय शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने यहाँ पे जवाब दिया है कि कंप्यूटर शिक्षक का कैडर पहले नहीं था, अब कैडर बना दिया गया है बजट घोषणा के माध्यम से। और लगभग मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि 3464 माध्यमिक में और 11,137 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर विषय पढ़ाया जा रहा है। बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर निकल के आ रही है। या दोस्तों
कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2020 से जुड़ा यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं विधानसभा में। दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र जी राठौर जो एमएलए हैं, शुरू से इन्होंने कंप्यूटर शिक्षकों में रिक्त पदों को लेकर यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, जिसमें गोविंद सिंह जी डोटासरा जो शिक्षा राज्य मंत्री है उन्होंने कहा कि 3464 माध्यमिक में और 11137 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बजट घोषणा के बिंदु संख्या 99 के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक कैडर का प्रसर्जन करने की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, राजेंद्र जी राठौड़ जो चूरू से एमएलए हैं, इन्होंने यहाँ पे सवाल उठाए हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। और यहाँ पे माननीय जो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने यहाँ पे जवाब देते हुए कहा कि कंप्यूटर शिक्षक का कैडर बनाने की घोषणा कर दी है, जल्द ही भर्ती होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें, और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।